हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज़ इंटरनेट क्लेयर सो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने इंटरनेट क्लेयर की इंट्रोडक्शन एंड उसके कुछ प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे एंड उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है वो होता है आई पी प्रोटोकॉल राइट सो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आई सी एम पी ओके सो आई सी एम पी स्टैंड फॉर इंटरनेट इंटरनेट कंट्रोल message protocol okay so it is a mechanism used by the hosts or routers to send notifications okay to send notifications notifications regarding regarding datagram problems datagram problems back to सेंडर ओके सो ये इसकी बेसिक सी वर्किंग होती है एंड इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट की हेल्प से हम जो भी मैसेजेस को ट्रांसमिट करवा रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे ये उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उनको हैंडल करने के काम आएगा ठीक है सो ये क्या करता है इट्स सेंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेटाग्राम प्रॉब्लम्स बैक टू सेंडर यानी कि सेंडर है ये एंड दिस इज रिसीवर ओके सो सेंडर ने यहाँ से कोई मैसेज भेज दिया बट वो मैसेज प्रॉपरली रिसीवर तक नहीं पहुँचा सो so, वहाँ पे क्या होता है अगर हम लोग भी मैसेज करते हैं किसी के फ़ोन नंबर पे तो वापस हमें मैसेज आता है कि मैसेज डिलीवर हो गया या नहीं हुआ ठीक है अगर डिलीवर नहीं हुआ तो तो भी हम लोगों को सेंडर साइड पे मैसेज आएगा एंड डिलीवर हो गया तब भी मैसेज आएगा ठीक है यानी कि वो नोटिफिकेशन आ जाती है ठीक है तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आई की ठीक है So, ये बेसिक सी चीज है जो आईसीएमपी के, के केस में आप लोगों को याद रखनी है ठीक है सो आई में भी मेनली दो टाइप्स होते हैं जिनको डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आईसीएमपी टेस्ट एंड सेकेंड होता है आईसीएमपी रिप्लाई ओके सो आईसीएमपी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट वेदर द डेस्टिनेशन इज रीचेबल और नॉट ये पहले ही बता देता है कि मैसेज जो है डेस्टिनेशन जो है वो रीचेबल है या नहीं है ठीक है रिप्लाई क्या करता है रिप्लाई क्या करता है इट इज़ यूज टू चेक वेदर द डेस्टिनेशन डिवाइसिज इज़ रिस्पोंडिंग और नॉट रिस्पोंडिंग ठीक है सो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि आई सी एम पी प्रोटोकॉल हैंडल करता है राइट right? इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे आई सी एम पी कैन सेंड द मैसेज ओनली टू द सोर्स बट नॉट टू द इंटरमीडिएट राउटर ठीक है ये क्या करता है राउटर भी अगर अटैच होगा तो वो राउटर को फाइल्स या मैसेज नहीं भेजेगा डायरेक्टली वो डेस्टिनेशन तक मैसेजेस को पहुंचा देगा ओके सो दिस इज अबाउट आईसीएमपी प्रोटोकॉल राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है हमारे पास ए आर पी ए आर पी स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ओके okay. जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक होता है ए आर पी एंड एक होता है आर ए आर पी ठीक है इसका मतलब है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस है ओके सो ए आर पी इज़ अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस इट इज़ यूज टू फाइंड फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस फ्राम द आई पी एड्रेस ठीक है नेटवर्क क्लेयर की बात कर रहे हैं इंटरनेट क्लेयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं आई पी एड्रेसेज की ठीक है एंड जहाँ पर हम लोग आई पी एड्रेस यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं फिज़िकल एड्रेस को भी फाइंड कर सकते हैं अगर वहाँ पर हम लोग ए आर पी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होंगे सो हेयर वी हैव टू टर्म्स डेट आर मेनली एसोसिएटेड विद ए आर पी प्रोटोकॉल्स ओके सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए आर पी रिक्वेस्ट सेकेंड टर्म है ए आर पी रिप्लाई ठीक है so, सो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये नाम याद रखने हैं एंड ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है इनके टाइप्स की डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है बस नाम याद रख लेना एंड ये बेसिक इंट्रोडक्शन याद रख लेना ठीक है ये इंटरनेट लेयर में तो यूज़ होती ही है उसके अलावा अगर आप कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें नेटवर्किंग सिलेबस होता है वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर आती हैं ठीक है थीके? या फिर आप लोग कोई भी क्लैरिकल या कोई भी एग्ज़ाम देते हो जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर्स भी पूछा जाता है वहां पे भी इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं कि ए की फुल फॉर्म क्या होती है आई एम की फुल फॉर्म क्या होती है एंड इसका बेसिक वर्क क्या होता है ठीक है सो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट सो ए रिक्वेस्ट क्या करता है वेन अ सेंडर वॉन्ट्स टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस इट ब्रॉडकास्ट द ए रिक्वेस्ट टू द नेटवर्क ठीक है यानी कि ये क्या करता है ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को राइट सो ए आर पी रिप्लाई क्या करता है ये सिंपली उसको मैसेजेस को रिप्लाई करने के लिए यूज होता है ठीक है जैसे कि ये सेंडर है ये रिसीवर है ये क्या करता है इसका फिजिकल एड्रेस बोथ साइड्स पे ऐड कर देता है एंड उसकी कैश मेमोरी मेमरी एंड डेटाग्राम हेडर में भी ऐड कर देता है जिससे कि वो ईजिली उसको रिप्लाई कर सकते हैं ठीक है सो so, ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन है अबाउट आई सी एम पी प्रोटोकॉल एंड ए आर पी प्रोटोकोल आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स थैंक यू